बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज जो आपका कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एंड कैरियर इन आईटी, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो आप क्या कुछ बन सकते हैं या आगे जाके आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं जिससे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले आप जब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या है, ऐसा इंसान है जो कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को डील करता है, उसको डेवलप करता है, उसको डिज़ाइन करता है, उसको टेस्ट करता है, उसको एनवायरनमेंट में या उस लोकेशन में जाकर क्या करता है, एवलुएशन करता है। ठीक है, देन आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम आता है, मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस में काम आता है, एंड मच मोर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये मुख्तलिफ जो है वो पोस्टों पे मौजूद होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो हाई पेड पर्सन है, अच्छे खासा उसकी तरफ सैलरी होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये की रोल अदा करता है। देन प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत नॉलेज रखता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छा आपके पास क्या होगा, आप प्रोग्रामर बनेगा। तो प्रोग्रामर जो है वो आपके पास हाई स्केल होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ओरेकल है, या इस तरह की बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, उन सब में जो आप कमांड लेते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की बन के ही वो जो है वो यूज़ किया जा सकता है। देन आपके पास क्या होता है जी, ये भी एक हाई पेड जो है वो जॉब है और ये आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज में ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है और मुख्तलिफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में मदद देता है। बात आगे जाते हैं जी सिस्टम एनालिस्ट की तरफ। सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा जो है वो पर्सन होता है जो कि की रोल अप्लाई करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के अंदर रिसर्च उसकी बड़ी स्ट्रांग होती है, प्रोग्रामिंग के ऊपर भी उसके कमांड होती है, उसको प्लानिंग एंड सॉल्यूशन के ऊपर भी उसकी कमांड होती है, यानी कि वो प्लान कर सकता है, वो सॉल्यूशन किसी चीज़ का निकाल सकता है जो आपके पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। देन ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपके पास कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्रामर से कोऑर्डिनेट करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करेगा और ये लॉट ऑफ नॉलेज रखता है जो नई डेवलपमेंट है उसके ऊपर, यानी कि जो भी नई चीज़ आ रही है उसको उसके बारे में ये फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक अच्छा एनालिस्ट बन सके और उसके ऊपर जो नई जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए एक नई चीज़ क्रिएट कर सके। ये आपके पास सिस्टम एनालिस्ट का काम है। सिस्टम एनालिस्ट की एक भी एक हैवी पेड हाईली पेड ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी जॉब होती है। ठीक है, देन आपके पास है हार्डवेयर इंजीनियर, यानी कि आप सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के साथ साथ हार्डवेयर इंजीनियर भी कह सकते हैं, यानी कि जो आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उसके बारे में, उसके सर्किट डिज़ाइनिंग, उसके चिप डिज़ाइनिंग या आपके पास ड्राइवर डिज़ाइनिंग या इस तरीके से जितने भी आपके पास सर्किट्स बोर्ड हैं, प्रोसेसर डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें जो है वो हार्डवेयर इंजीनियर का काम है। मोबाइल क्रिएशन, कंप्यूटर क्रिएशन, ये सब चीज़ें जो है वो इक्विपमेंट के ऊपर जो काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड काम होता है ये ज़्यादातर, उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, हवावे है, ये जितने भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, इन्फिनिक्स हैं, इन सब में इसकी जॉब जो है वो होती है और ये ज़्यादातर चिप के ऊपर काम इसका होता है जो डिज़ाइनिंग करने के लिए, जो छोटा चिप बनाने में मदद देता है। फिर बात आपके पास आती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। कंप्यूटर नेटवर्क जब आपके पास बनाया जाता है, जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बन जाता है और ये नेटवर्क जो है आपके पास उसको मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना, किसी की अथॉरिटी देना, किसी को अथॉरिटी से लेस करना, ये सारा काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का है। ये आपके पास एक नेटवर्क डिज़ाइन करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको मैनेज करता है और आपको नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करता है। विदाउट दिस पर्सन जो है वो कोई भी नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। अगर नेटवर्क बनाना है तो ये काम करना पड़ेगा। देन आपके पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को डिज़ाइन करने में मदद देता है। ये की पर्सन है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटराइज कर देता है, पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटराइज कर देता है और ये डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, उसको क्रिएट करता है, उसको मैनेज करता है, उसको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि कहाँ पे स्टोरेज करनी है, देन उसकी जितने भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हैं वो लगाता है। तो इसकी जो वन बाई वन हम जो है पढ़ते हैं क्या क्या कैटेगरीज़ है। मेंटेनिंग डेटाबेस इंश्योर अवेलेबिलिटी टू यूज़र, यानी कि यूज़र को
एबिलिटी देता है कि ये इसको डेटाबेस को यूज़ कर सके। देन कंट्रोलिंग एंड प्रिविलेजेस, यानी कि वो कंट्रोल करता है और अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। देन मॉनिटर डेटाबेस परफॉर्मेंस, यानी कि डेटाबेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। डेटाबेस सिक्योरिटी, डेटा बैकअप एंड रिकवरी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, ये सारे के सारे काम किसके हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। थैंक यू जी, इसके बाद हम आधा कल जो है वो इंशाल्लाह